एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ चैप्टर 4। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे देखते हैं। इफ ओनली ग्रीफन हैड मैनेज टू वर्क अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यानी यदि ग्रीफन है वो सही समय पे उठ जाता, ठीक है, तो उसके साथ सभी सही होता, सब कुछ सही होता, ठीक है, क्योंकि उसने उठने में देरी की तो उसके साथ गलत हुआ। ठीक है, देखिए क्या होता है गलत, वो देखिए। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी अगली सुबह तक जब असिस्टेंट यानी सहायक लोग वहाँ पे आ गए थे तब तक वो उठा नहीं। वैन ही सा ए कपल ऑफ देन अप्रोचिंग, यानी उसने देखा कि एक कपल, ठीक है, यानी एक जोड़ा वहाँ पे आ रहा है, अप्रोचिंग यानी पहुँच रहा है। ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वह डरा और वहाँ से भगने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, ठीक है, वो उनके पीछे स्वाभाविक रूप से कोई भी उनको देखेगा तो उनके पीछे लगेगा ही, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी, ठीक है, तो उनका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। यानी लास्ट में वो क्या होता है, वो बचने में सफल हो जाता है, भागने में सफल हो जाता है, स्केप, ठीक है, बचकर ओनली बाई क्विकली टेकिंग, यानी बचकर भागने में सफल हो जाता है। क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, यानी वो क्या करता है कि जल्दी से अपने जो क्लोथ्स हैं उनको उतार के फेंक देता है, जिससे कि फिर वो इनविजिबल जैसा लगता है, ठीक है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक इन द चिल जनवरी एयर, ठीक है, तो वो दोबारा से, ठीक है, क्या हो जाता है, इनविजिबल अदृश्य हो जाता है, और ठीक है, और वो जो बिना कपड़े के था तो उसको जनवरी में उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई द स्ट्रोक ऑफ ए थियोरटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबो द सूट सेवरिंग विद कोल्ड। यानी उसने इस समय डिसाइड किया, निश्चय लिया कि वो जहाँ स्टॉक यानी जहाँ पे जाएगा, जिस दुकान पे या जिस ब्रांड का जो सामान वो खरीदेगा, जिस कंपनी में जाएगा, ठीक है, तो उसको आशा थी होप फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, ना कि कपड़ों की, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस। उसे और भी बहुत चीज़ों की लालसा थी, ठीक है, जो वो चाहता था, हाइड दैट एम्प्टी स्पेस अबो हिज शोल्डर सेवरिंग विद ए कोल्ड ही हैड टू डेरी लेन, ठीक है। यानी वो क्या हो रहा था कि वो जो रात को जो सर्दी हो रही थी, ठीक है, उस टाइम पे, तो उससे काफ़ी सिकुड़ रहा था, ठीक है, ठीक है, विद कोल्ड यानी ठंड से। ही हैरिड टू ड्यूरी लेन, यानी वो आराम करना चाहता था। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी कहाँ पे, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी जहाँ पे वो थिएटर बना हुआ था उसके बगल में या बीच में जो जगह थी वहाँ पर। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, उसके बाद वो एक आरामदायक दुकान या सूटेबल या जो उसको अच्छा लगे, ठीक है, वो दुकान ढूंढता है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, ठीक है। यानी ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, उसके बाद वो आसानी से एक दुकान ढूंढ लेता है। ही मेड हिज वे, जो उसका रास्ता बनाती है, इनविजिबल, ठीक है, अदृश्य, अपस्टेयर यानी उस पर चढ़ते हुए, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और कुछ देर बाद वहाँ से निकलना, वीरिंग ए बैंडेज राउंड फॉर हिज फोरहेड, यानी उसने कुछ लिया, ठीक है, अपने के लिए, डार्क ग्लासेस, ठीक है, डार्क ग्लासेस यानी सनग्लासेस जो हम पहनते हैं वो, फॉल्स नोज बिग बसी साइड एंड विस्कर्स ए लार्ज हैट, और उसके बाद एक बड़ी टोपी लेता है, टू स्केप विदाउट बींग सीन, और वहाँ पे से बच निकलता है बिना दिखे। ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और वो पीछे से जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उस पर आक्रमण करता है। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, आफ्टर ही रोब्ड हिम, और उसके बाद वो वहाँ पे चोरी करता है ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और वहाँ पे उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है, ठीक है। होप यू लाइक इट एंड नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच।